नमस्कार साथियों, मैं तरसा गया सतवीर सारण है और थे देखने लाग रहे हो बेधड़क हरियाणा न्यूज। और तस्वीर जो की देखने लाग रहे हो वो है एक मिर्चियों को बुनटो, और एक बुनटो को नहीं हो अथे पूरे लंबे चौड़े एरिया में देखोगा कैमरा मैन दिखाने ला रहे थाने। ए मिर्च है जो क्या पर ना तो स्प्रे गिरेड़ी ना कोई जहर गिरेड़ो, मतलब ऑर्गेनिक। आज हर मानव शरीर है वो बीमारी को ग्रस्त है, बीमारी को कारण एक है अत्यधिक मात्रा में जहर स्प्रे जो पेस्टिसाइड यूज करे फसला में खान पीन की चीजा में। बाहू किसाना जो आपकी इनकम खातर सोर्स अपनायो भी आप अगर ज्यादा जहर गिरांगा ज्यादा खाद गिरांगा तो है फसल ज्यादा होगी। लेकिन आज जगह किसान का मैं उरे बैठे हूँ तस्वीर देखोगा वो एक ऑर्गेनिक खेत है और पिछले 2-3 सालों में दिखाता रहे हैं। अब की बार एक नई चीज और दिखाऊंगा कि पीलीगिरी वो तरबूज है बिंग सागर सागर किसान ऑर्गेनिक जो हरी मिर्च है देख सको, लंबाई देख सको और लेंथ देख सको और जमा नॉर्मल हर जी लगना रो अठा जो है वो खेत को दृश्य है और सारी चीज ऑर्गेनिक है। और पूरा जो किसान जो ऑर्गेनिक खेती करने लग रहे रामचंद्र वो दवाई भी खुद तैयार करे आपकी। बड़े मजे की बात तो है कि वो खुद की दवाई है, खुद दवाई किया तैयार करे है, किया फसल तैयार करे है। और अठाई एरिया मेरे हिसाब में मेरे तो आपको खुद को अनुभव है कि मैं कभी पीलीगिरी को तरबूज को देखियो फोटू जरूर देखी है बोर्ड पर लागरी, लेकिन अब की बार है वो आज मैं थाने खुली आंखें हूँ कैमरा के सामने डेमो करके दिखाऊं। अभी पीलीगिरी को तरबूज है, टमाटर भी लगा रखे है, ये भी ऑर्गेनिक है। अठा मतलब ये खेत में थे आया हो खूब टमाटर लाग रहा है, थोड़ा दिन हम पाक भी जागा पाकन लाग रहा भी है और हरी मिर्च लगा रखी है। और ए तोरू है देखो डायरेक्ट थे कई बार क्या कोई मशीन में लगाई डी है, कोई कठी कोल्ड स्टोर में लगाई डी है, भिंडी लगा रखी है और तोरू है थाने किसान सीधी डायरेक्ट तोड़ के सेल करने लग रहे है। तो अगर आप अपने खान पान को ध्यान रखांगा तो शरीर ने स्वस्थ रखा और शरीर ठीक रहेगा तो आप जिंदगी में वह सारा काम कर सका जो की आप सपनों देखा जो की बात करांगा। मार्शल मास्टर जी है जुड़ा गाँव बातचीत करांगा फिर तमाम किसान हुआ जानकारी। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? राधेश्याम शर्मा मास्टर जी। मास्टर जी पूरा आया हो के फील आने लग रही है? फील यही है इस भौतिक युग में लोग पैसों के लालच में पता नहीं क्या क्या केमिकल डाल के लोगों को खिलाते हैं, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता है। मैंने यहाँ पे सब कुछ देखा है कि ऐसी चीजें शायद ही किसी एरिया में होगी या पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक मतलब चीजें डाल के और शुद्ध सारी सारी चीजें बनाई पैदा की जाती है। मैंने आप खुद इनको खा के देखा है, टेस्ट करके देखा है, जिसका टेस्ट भी अलग है। जैसे हम बाजार से कोई सब्जी खरीदते हैं या फ्रूट खरीदते हैं उनका और उनके इनके टेस्ट में रात दिन का अंतर है। मेरा तो यही सुझाव है सभी लोगों को कि थोड़ा खाओ लेकिन शुद्ध खाओ ताकि भविष्य के अंदर डॉक्टरों के पास जाना नहीं पड़े। जी जी धन्यवाद मास्टर जी। तो ये हमारे साथ भाई रामचंद्र है और किसानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत को से आदर्श को और बा युवा जका सोचा भी नौकरी सारों की हुआ है या वह विदेश जागे मन में सोचा भी की कमा लेंगा बा खातर उदाहरण है कि घर की जमीन उसते नहीं धंधो और ब्यू आ गया मेरे हिसाब में तो की हो कौन सके। तो रामचंद्र चलता चलता बात करांगा, दवाई दिखाऊंगा फिर थान तरबूज दिखाऊंगा। भाई साहब लोग परिचय का मोहताज को नहीं होते, लोग थान जानने लग गया। बिल्कुल। अब की बार किन एक्सपेरिमेंट करे? अब की बार जी मेरी जो टोटल जो खेती है भाई साहब पिछले 3 सालों से वीडियो बनाने लग रहे हो और बहुत बढ़िया। सब पहला तो मैं धन्यवाद करना चाहूँ बेधड़क हरियाणा न्यूज को कि अपनो कीमती समय निकाल के हमारे खेत में आया हो। और अब की बार मेरे टोटल है नहीं टोटल जैविक क्रेड है बिल्कुल एकदम, कोई भी इंसेक्टिसाइड कौन करी। मैं बचपन जखन पौधा लगायो जो दुई में मेरी आपकी खुद की दवाई बनाई दी है और जो प्रोडक्ट है भी बाहरों कौन लेटा मेरे को जैविक खातर जहाँ तुम्मा हो गया आगटा हो गया दतूरा हो गया रिंडी हो गयो जको अपना आप में सक्षम पौधो है भी बिना बारिश थोड़ी सी बारिश हूँ फल देने के लायक है या वो मान लो भी खड़े हो रहे जी आग तो हो गया आगतन बारिश की जरूरत को नहीं। तो बे चीजा में उठाई है जी माइक्रो न्यूट्रेंट हो गया नीम की खड़ी होगी नीम की निम्बोली हो गयो तेल हो गयो प्योर मिल निकाल रखे है। और सब बड़ी बात है फंगस खातर घर की लासी इकट्ठी करा के 2 ड्रम है थाने दिखाऊंगा। बिल्कुल जी। तो साथियों थाने में बता दूंगा वो तोरू लाग रही है तोरू है बेला नीचे नीचे मैदान लाग रहा है। अब मतलब अपनी भाषा में बने भी अपना लोग देखे अपना जो किसान कम्युनिटी का लोग है वह ज्यादातर अपनी बागड़ी और हिंदी भाषा नहीं समझे तो बात बता दें कि थे भी कर सको आ चीज
जका ना जमीन है जका खेती करना चाहे वह बदलाव भी कर सके। और मजे की बात आ रही कि आज में ही खतरा है कि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है अपने एरिया में, क्या छोरा पढ़े तैयारी करे विदेश जाए और क्या विदेश में मोटा पैसा कमाओगा। तो रामचंद्र की थान में बताऊंगा पिछले 3 सालों में जान लग रहे हैं और रामचंद्र खुद की खेती करके और लाखों रुपया कमाया है। रामचंद्र अगर आप महीने की बात करें क्योंकि अपना लोग है नहीं आज पैसा की चला कैमरो तो देख जाओ थान दिखा जाओ मेरे तो देखे ये लोग तो भाई अगर आप थे साल की ना बताओ खेती की ना बताओ महीने ही अगर काटा तो कितना रुपया रामचंद्र कमावा एक महीने। मेरे 6 एकड़ के अंदर सब्जी है और 6 एकड़ के अंदर अब अगर मैं बात करूं तो अब की बार मेरे मान के चालो भी महीने की जी हाँ 6 एकड़ के अंदर मेरे 2 लाख को तरबूज निकलो तो 12 लाख को निकलो 6 एकड़ 12 लाख में मेरे 2.5 लाख 2,70,000 रुपया खर्च हुआ 10 लाख रुपया मेरे 6 एकड़ में मजेगा। खेती कितना टाइम है? खेती टाइम है जी 2-2.5 महीने की खेती है यानी मान के चलो एक फसल लाग जाए बीच में भी कर कौन सका दूसरी फसल भी आप नॉर्मली कर सका। नॉर्मल कर सका नॉर्मल ना करा तो जमीन अपनी बेली दे जी बहुत बढ़िया अभी उपजो जी मतलब मैं थाने मोटो मोटो समझा दू थे मतलब पहली राखो ना राखो अगर 10 लाख रुपया साल का हो गया तो 70-75,000 रुपया महीना रामचंद्र का बचत आज बिल्कुल तो मतलब बाद में अब तो जी कौन करे भी मतलब जो टबरा की बात करा तो भी पढ़ा लिया लिखा लिया खेती में ले आवा नौकरी को तो मतलब कोई देखो जी मेरे भी वो टारगेट हो भी मैं स्टार्टिंग बचपन में जो 6ठी क्लास में हो मैं सर जो आपने इंटरव्यू दियो तो हाँ सर मैंने सलाह दी भी कोई जरूरी को नहीं नौकरी में बंदो कामयाब हो कामयाब नौकरी कामयाबी को नहीं कामयाब इंसान कठे ही हो सके। और मैं तो एक खेती के अंदर ही आयो भी एक आज किसान की बात करा तो किसान बैकग्राउंड जान लाग रही है भी वो कौन सा भी आपके बेटे ने पढ़ लिख के खेती करनी पड़े वो पढ़ लिख के 2-4,000 की 10,000 की नौकरी करनी पड़ जैसी पर वो खेती में कौन लेना होता है। और मेरो है भी मेरो खेती करना मकसद हो यो भी किसान को बेटो हो गए अपना अपने ही ना समझे भी नीचो महसूस ना करे भी मैं किसान को बेटो और बढ़िया लाइफ स्टाइल हो बंदा को बात 8 साल की रहेगी लंबी वीडियो है और फिर देखता रहूंगा तो मैं थाना एक बार दवाइयां कर ले जाऊंगा और बैठा बातचीत शुरू करांगा। साथियों थर सामने की देखने लग रहे हो और तिरपाल लगा के किसान अठे दवाई बनावे और देसी दवाई है वो ड्रमा में डाल दे फिर और ड्रमा में देखो टूटी लगाई है मैं तीनों दिखा दी और तीनों मुँह फिर जकी ने ड्रिप के साथ दवाई चलानी हो नलकी काट गए इमुने लगा दे तो किसान मार सा गया है रामचंद्र और रामचंद्र पूछा भाई साहब मतलब लोग क्या भी बिना जहर खेती हो गई को नहीं तो थे वो के सिस्टम करा वाह लोग सोच है जी बिना जहर पहली तो बात आया मैं किसान ना गया एक सोच हो रही है बिना जहर खेती को नहीं हो पूछना रोना चाहिए किसाना ने भी किसान जो बड़ी बड़ी कंपनियां है वे जेर कठों लेके आने लग रही है सबसे बड़ा पॉइंट है भी बेजेर जिया कोई भी दवाई ले लियो आप नाम जिया मोनो है रोगर है वो केमिकल के चीज है वो और कठों आने लग रही है वो तो मतलब थे भी नजर टाइप हो गया बिल्कुल बिल्कुल जी आ चीज में नोट करी है तो बे केमिकल बनाने लग रहे है और आप वो ही केमिकल जैविक के अंदर बना सका जिया सब मोटो अगर बात करा तो नीम जकी है नी तो किसान को मित्र है बहुत बड़ो पेस्टिसाइड जैविक पेस्टिसाइड मित्र है तुम बहुत बड़ो मित्र है जिकी चीज ने लट कोई भी नीम को पत्तो देखो कभी खराब कौन मिला था ने ना भी नीम का पत्ता ने कोई जानवर खावे और बहुत बढ़िया जी नीम को पत्तो यो रेंडियो है वो देखो रेंडियो वो सामने था दिखाई देने लग रहे है तो वो रेंडियो से सोच के देखो भी माड़ी सी बारिश के कारण है बन रेंडिया आपको फल दे दियो क्यों दे दियो क्योंकि वो अपना आप में सक्षम है पौधो बिंग अंदर बा क्वालिटी है जका 16-15 तत्व बिंग अंदर भरपूर है और किसान भाई बोले ना रे रेंडियो उग्योग है बन दी एक सलाह लेनी चाहिए किसान ने भी। और जी हाँ एक बात करूं कांग्रेस की घास की थोड़ी सी बारिश होना है कारण सड़क का सारा सारे 4 फुट आज महीने में की कौन जा और आपका किसान एक आपको खून पसीनो एक कर दे और पूरा जोर मारे तो भी बिंगी फसल है आज आ बीमारी आ गई आ बीमारी आ गी क्यों आ गई बीमारी क्योंकि आप बचपन में जेर देने लग जावा और कंपनियां तो अभी मारो जेर बार बार रिपीट हो जद बंग आमदनी है ना कि किसान मतलब थे जो को तैयार करी है दवाई जो जैविक तैयार करी है मुख्यतः मतलब जितनी भी थे पैदावार लेना रही मैं आई यूज करो बिल्कुल जी मैं 2,000 लीटर की है इन अंदर एक ट्राली तुम्बा कम से कम मान के चलो 15 क्विंटल तुम्बा और नीम आग तो दतूरो कुतरा मशीन काट के वो इन अंदर गिरो जी गड़ायो और मेरे चलने लग रही 11वें महीने
ग्यारहवें महीना को सिस्टम, अब मेरे सपरे सपरे हो रहे है, अब मेरी थोड़ी फसल रही है, इंगे बाद में नेक्स्ट जी तुम्मा होगा तो इंगे मैं और गेर देंगे। और हाँ, नीचे खातर निमाटोड की बीमारी जो किसान ने सब मोटो आज बागवानी के अंदर सब मोटो कारण है, निमाटोड के कारण लोग बाग खत्म होने लग रहे, तो जी सब बढ़िया है, मेरी गारंटी है भी कोई बाग खत्म होगी गंगार पर को नहीं आओगे, ना कोई बाग ने पाड़नो पड़ेगो, अगर आ चीज आप घर के रेगुलर बना के गिरा तो कोई जमींदार ने खर्चो करने की जरूरत ले जानी चाहे तो बिल्कुल एक आधा पौधा खातर ले जाना चाहे तो ले जा सके, बाकी मैं मेरे आपको बड़ी मुश्किल हूँ तैयार होने लगे क्योंकि मैं बड़ो है थोड़ा सो, और हो सके तो भगवान चाहे तो भी मैं आगे सेलर सेल भी कर सकू, आगे जी अगर बड़ी क्वांटिटी मेरे कन माल बन गयो तो मैं कर सकू। एक बात तो है स्प्रे की जानकारी भी, क्योंकि लोग एक दिमाग में आके यार बिना स्प्रे के हो सके तो आ स्प्रे तैयार कर रामचंद्र, अब थाने दिखावांगा जो की चीज दिखाने खातर आए अम्बा क्या पीला तरबूज और लालगिरी का तरबूज, किसान रामचंद्र मार सा चलो बैठे थाने ले जाके दिखावांगा। बात और बताइए कि यूरिया आज की गिरन ला रहे है किसान जी, अब कणक की फसल है, कणक में लोग बेसुमार यूरिया गिरी है, लेना में गया लड़ता रहे है, अभी यूरिया कौन मिले यूरिया कौन मिले, तो बिंगू एक प्रयोग है और एक हल निकाले है, तो बात वैसे थे यूरिया की बात करो, वो के मामलो है वो जी, एक आपने अहमदाबाद की गिर गौशाला है वहाँ एक जी डीकम्पोजर आयो बिंग अंदर, डीकम्पोजर के अंदर मात्र स्टैंडर्ड का बैक्टेरिया उठाया गया, तीन जगह एम जी नाइट्रोजन की पूर्ति करे और जी माड़ी मोटी फंगस की पूर्ति करे फास्फोरस की पूर्ति करे, बे चीज उठाई गई, और ओ जो को गौ कृपा अमृत है जो को गौ कृपा अपने तो अपना अहमदाबाद की गिर गौशाला तैयार करे, इन 64 प्रकार का बैक्टेरिया है अलग अलग, छह फंगी साइड गए, छह इंसेक्टीसाइड गए, छह नीचे काम नीमा टूट गए, तो जी ओ मैं कल्चर वहां करूंगा वो तैयार करे और इन पर बिल्कुल स्प्रे करी नीचे भी चलायो, इन अंदर की है कभी पौधा ने पूरी पूरी नाइट्रोजन मिल जाए, वायुमंडल के अंदर 78% नाइट्रोजन कुछ पॉइंट है और फिर भी लोग अंधाधुंध यूरिया गिरन ला रहे, के कारण है भी के जरूरत पड़ गई अपनी इसी भूमि ने इतनी के कमजोर होगी भी अपने वायुमंडल के अंदर 79.8% होने के कारण है और आपने यूरिया एक्स्ट्रा गिरनी पड़ने ला रही है भाई, तीन तीन चार चार कट्टा ओ मान ले थारो बैक्टीरिया की चार खराब मतलब यूरिया छुटकारो पा दी बिल्कुल 101% पा दी, यूरिया गिरी कौन खेती बिल्कुल कौन गिरी जी, एक दाणो ही कौन गेड़ो ही छह किलो खेती के अंदर, बहुत बड़ी बात है क्या यूरिया बिना तो आपने उगे ही कौन बताओ, अगर यूरिया मतलब नाइट्रोजन को मतलब है पौधा के ऊपर, पौधा के ऊपर सिर्फ धूल मिट्टी आवे नहीं तो बिन उतारण खातर अगर आप सीधा पानी की भी स्प्रे मारानी तो भी बढ़िया है, क्योंकि बिन धूल मीटर जी रोंग छिद्र खुल जाए, अगर स्प्रे सादो पानी मारनो रोंग छिद्र खुल जाए तो वो नाइट्रोजन पौधो ले सके, और एक आपने भ्रम बाढ़ दियो कंपनियां भी यूरिया बदेगो आपने भूल है, पौधन थे मिनिमम तीन बारी धोबो करो, तीन बारी भी नुहा दो बढ़िया तो पौधे में कोई बीमारी को नहीं हुआ और वो पौधो ग्रोथ करेगा, क्योंकि वो प्रॉपर है रोंग छिद्र भी खुला रहेगा और प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भी भोजन मिलेगा, नाइट्रोजन ऑटोमेटिक कुदरती मिलेगी जी की वायुमंडल में। चलो चलते हैं और आपको दिखाते हैं, बहुत रोचक जानकारियां है रामचंद्र के पास जो की इस कृषि प्रधान हिंदुस्तान के किसानों के लिए बहुत जरूरी है, और ये मतलब काकड़िया की बात आप बताई को नहीं, काकड़िया ही खूब हो रहे हैं तो थे आगे काकड़िया ऑर्गेनिक है ले जासको। तरबूज गर्मी मौसम में और आजकल तो ब्याह शादी मतलब बारह मासी खाए हो थे, लेकिन बिंग माँ सिर्फ लालगिरी को तरबूज खाए हुए, बिंगो टेस्ट भी थे जानता होगा अठे को बताऊंगा लालगिरी को तरबूज थे अठू क्यों खरीदोगा, बिंगो कारण है कि ऑर्गेनिक है बी पर कोई जहर कौन गेड़ो कोई मतलब इसे केमिकल कौन गेड़ो जो को थार स्वास्थ्य हानिकारक हो, लेकिन आज जो को है वो थाने पीली गिरी को येलो कलर को जो है वो तरबूज भाई मतलब लाइव डेमो है अवेल है वो तरबूज है और वो किसान रामचंद्र है, क्योंकि क्या भी खान पीन की चीज सागर समझौते तो नहीं करना चाहिए और वो दिखाने ला रहे, और इन बीज की बात बता दें क्या उन बीज है वो 90,000 रुपया किला को बीज है, एक किला में अगर तरबूज लगाना तो 90,000 रुपया तो बीज बीज लाग गए किसान का, और वो है वो यू कम क्वालिटी ओ देखो थे जमा येलो है और इनको टेस्ट भी था ना चेक करावांगा, और मैं एक बार काट दे रामचंद्र जी कट्टे बाद में मेरे लागो भी हाँ अलग अलग क्वालिटी के यार कट्ठे सी फर्क है के मैं दिखाना चाहवा था और के खाने में स्वाद होगो वो भी चेक करवावांगा, और शान रामचंद्र है रामचंद्र दोनों मतलब फर्क की है फिर पीलो लाल रंगो या कोई और भी फर्क है, नहीं और भी फर्क है जी हाँ इंगवा चीज देख ली थे इंग अंदर एक आंगड़ को दड़ है और ओ काकड़िया तरी है बिल्कुल
सारो एंड तक खास का इन बीज की मात्रा बहुत ज्यादा हुआ है और इन बीज बिल्कुल ही कम होगा। एक ही लाइन होगी, सिर्फ 20-30 तरबूज में बड़ी मुश्किल बीज निकलेगा और इन अंदर ज्यादा बीज निकलेगा। इन अंदर सब मोटी पानी की डबल मात्रा हुआ है, अंदर जूस इतना ज्यादा हुआ है एक और सॉफ्ट इतना ज्यादा हुआ है भी एक बच्चो छोटो छोटो बच्चन जे अगर गिरी दे जाए तो वो खा जाए और बुढ़ा बुढ़ा दे जाए बिना दाड़ दाँत तो वो भी खा जाए। इन आप बिल्कुल इं तोड़ सका वो देखो और कौन मतलब बड़ा हो जाए थोड़ा सा लगा गई पीलो तरबूज पाइन एप्पल खान लग रही है तरबूज को बिल्कुल मिठास इतना भी दुगुण है और रेट वो 15 रुपये है और 40 रुपये क्योंकि बीज में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। वो हिंदुस्तान की कोई वर्ल्ड की सब बढ़िया कंपनी नॉन न्यू कंपनी जो तरबूज का बीज के मामले में अपना आप में एक अहमियत रखा है जकी कंपनी नोनियो कंपनी इजराइल की है तो बिंगो कंपनी का बीज है अनमोल नाम की वैरायटी है। तो भाई साहब थारों कोई जानकारी लेना चाहे तो एक बार फोन नंबर बता दो एड्रेस में बता दें जी। फोन नंबर है मेरा 999-2454-004 मेरा बता दें 99924 और 54004 मेरा नंबर है। मतलब कोई किसान जानकारी लेना चाहे कोई बीज बेधड़क होगी ले सके कोई कभी भी फोन करो अगर मैं फोन ना उठाऊं एक मौका बिजी हूँ तो मैं किसान कम दोबारा चाल के करूँ अभी मिस कॉल आईडी हुई नहीं कोई भी हो कठा कोई किसान हुए जी आप खुल के जानकारी दें खुल के प्रमोट करा अपनी चीज और खुल के जानकारी दें कोई संकोच कोनी भी है कोई या कोनी भी फलानो कर लियो दिगड़ो कर लियो। स्टार्टिंग में शुरुआत करी मुरली दर्ज का मेरा सीनियर है बहुत बढ़िया डुगड़ा और सरपंच जो फिलहाल है राजेंद्र का चाचा जी है बांग सलाह भी मेरा गुरु के लियो मेरा बड़ा भाई के लियो बेसबू पहला अपने एरिया के अंदर सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर तरबूज की बात करा तो बे ले गया बंग बाद में मैं करने लग गया और बाद बंग ही सलाह में करने लग रही हूँ और दोनों मिल गए बहुत जबरदस्त प्रमोट करने लग रहे हैं जी। आज अपने एरिया में बात करा तो टॉप लोग के अंदर तो 250 बीघा के अंदर तरबूज है 250 एकड़ के अंदर जी। बहुत धन्यवाद सर। तो मैं थानू बता दूं जानकारी जी की थी देखने ला रहे हरियाणा न्यूज चैनल पर है सिरसा जिला गया नाथू श्री चौपटा ब्लॉक का हरियाणा प्रदेश में रायप्रिया गांव है। रायप्रियो गांव में आज की लोकेशन है बा जो मेन रोड है चोपटा नोर चोपटा जो नोर है बरासरी जमाल बरासरी आगे थे आओगा जो सड़क के ऊपर ही मतलब तस्वीर थे देखोगा मतलब लागेड़ी है लोकेशन लिख रखी है 200 मीटर आगे सब्जी मिले और या झूंपड़ी जकी सामने तस्वीर हम देखने लग रहे हो आज झूंपड़ी है अठे आगे थे कोई भी जकी सब्जी में था दिखाई है कदी अठे खरीद सको और अठे ले जा भी सको। बड़ी बात है कि टाबर जगह ज्यादातर मेरी सलाहबान है जगह शहरा में रहने लग रहे वह उरे आपके टाबर ले आगे घुमा के ले जाओ एक बारी तो बन पता चल है भी नेचर के है प्रकृति अपन के जीव है और प्रकृति अपन के देश का है। तो यह सारी जानकारी थे देखने लग रहा बेधड़क हरियाणा न्यूज पर और मैं थारसागर सतवीर सारण कैमरा मैन जोनी बामण के साथ धन्यवाद।